डीग स्थित थाना कोतवाली में सीएलजी की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डीडर व जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप कपूर के मुख्यातिथ्य में आयोजित हुई, जिसमें सीएलजी सदस्यों द्वारा कस्बे की विभिन्न समस्याओं व नगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने कस्बे की टाउन चौकी पर परवादियों की एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था की मांग की, बरावली हत्याकांड का खुलासा करवाने, कस्बे में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, कस्बे में पुलिस नफरी बढ़ाने की मांग की गई, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कपूर ने सीएलजी सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कस्बे में नफरी बढ़ाने की प्रक्रिया शीघ्र ही की जाएगी। वहीं नगर पालिका में नया ईओ लगाने की जिला कलेक्टर से मांग रखी। इस मौके पर कस्बे में सड़क मरम्मत, गंदे पानी की निकासी की भी मांग की गई। इसमें पूर्व जिला कलेक्टर नथमल डीडल ने नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर मतदान बूथों का निरीक्षण किया और मतदान बूथों पर सभी बीएलओ को वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, संशोधन करने सहित कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी हेमंत कुमार, सीओ मदन लाल जैफ, थाना प्रभारी हवा सिंह मागवा आदि सहित अधिकारी व सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। आज नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर डीग थाने पर आज सीएलजी का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय सभी सदस्यगण पधारे। हमने प्रशासन की तरफ से कोरोना के बचाव हेतु जो बातें हैं वो इनको बताई कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। माननीय सदस्यों ने मिलकर के जो कस्बे की समस्याएं हैं और गाँव की कुछ समस्याएं हैं अतिक्रमण की, रोडों के आसपास की, वो हमने नोट की है और प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि इनका समाधान जल्दी से जल्दी व्यवस्था अनुसार कैसे किया जा सकता है, वो हम इसको सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो हमने सभी मतदाताओं से ये अनुरोध किया है कि वो अपने मत का उपयोग निर्भीक होकर के 11 तारीख को जो डेट आ रही है उस दिन मतदान का प्रयोग करें। इंडियन प्राइम न्यूज से अंकुर जाधव की रिपोर्ट।